Farhaz Mobile Software, subscribe now. दोस्तों मैं हूं फरहाज और आप देख रहे हैं मेरा ही YouTube चैनल फरहाज मोबाइल सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूं iPhone 7 Plus या कहीं तो पूरा Apple के बारे में आज मैं आपको पूरा वीडियो बना दिखाऊंगा कि इसको हम अनलॉक कैसे करेंगे, इसका iCloud चेक कैसे करेंगे और इसकी फ़ाइल हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे और ये फ़ाइल चोरी का तो नहीं है या कोई लफड़े का तो नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और हाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसको मैं फिर अनलॉक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लॉक कोड पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसको मैं अनलॉक करूँगा विदाउट आईट्यून से। अभी तक आपने आईट्यून वाले वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, तो आज मैं इसको आईट्यून के बगैर इसको मैं अनलॉक करने वाला हूँ। अनलॉक करने के लिए पूरा इसको फ्लैश करूँगा, मैं किस तरह से फ्लैश करूँगा उससे पहले मैं इसका पूरा मॉडल नंबर चेक करूँगा, क्योंकि आईफोन 7 है तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस 7 में भी काफ़ी दो मॉडल आते हैं, आईफोन 7 GSM और आईफोन 7 ग्लोबल, दोनों सेम होते हैं, दोनों फीचर सेम होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि 7 में आपको फेस टाइम नहीं मिलेगा और 7 प्लस में फेस टाइम की एप्लीकेशन उसके अंदर होती है। तो अभी तो मालूम नहीं है हमें, क्योंकि मोबाइल में लॉक पड़ा हुआ है तो अभी जान नहीं सकते इसके अंदर 7 है, 7 प्लस है, 7 GSM है, 7 ग्लोबल है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे, इसका इसमें ही देखेंगे हम चेक करके कि इसके अंदर iCloud ID है या नहीं है बिना फ्लैश करे। फ्लैश करने के बाद तो मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन फ्लैश करने से पहले, कंप्यूटर में लगाने से पहले इसको हम चेक करेंगे किस तरह से, क्योंकि क्या होता है हम अनलॉक तो कर देते हैं, बाद में कस्टमर कहता है कि इसका ID भी खोलो। तो सभी को मालूम है कि ID खोलना तो इतना आसान नहीं होता iCloud की, तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि इसमें ID है या नहीं है, मोबाइल चोरी का तो नहीं है, पूरा चेक करेंगे और उसके बाद इसको फ्लैश करेंगे और इसकी फ़ाइल किस तरह से डाउनलोड करेंगे। क्योंकि हम iTunes से करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है फ़ाइल करीब 3-3.5 GB की फ़ाइल होती है इसकी, तो हम किस पूरी फ़ाइल नहीं कर सकते, बीच में कहीं भी नेट अगर थोड़ा स्लो हो गया है तो फेल हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप लास्ट तक बन रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया ना तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं है एप्पल के लेकर कहीं ज़रूरत जाने की, आप खुद अपने घर पर बैठ कर कमरे के अंदर आप इसको अनलॉक कर सकते हैं आसानी से सारे मॉडल। तो दोस्तों वीडियो लंबा तो काफ़ी होने वाला है, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 7, सबसे पहले मैं देखूँगा है कौन सा मॉडल, ये 7 है या 7 प्लस है या सॉरी 7 GSM है या 7 ग्लोबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट ओपन करूँगा मैं, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मॉडल है ये। ये देखिए मेरे पास वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ था, तो मैंने ये ओपन कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा ये बोल रहा है इसके ना एंटर IMEI नंबर डालो, तो IMEI नंबर हम किस तरह से डालें, क्योंकि इसके पीछे तो कहीं लिखा हुआ होता नहीं है, पुराने मॉडलों में लिखा हुआ आता था 5 और 6 था, लेकिन 7 में IMEI नंबर इधर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका हम IMEI नंबर कहाँ से ढूंढेंगे, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने लिया पेपर और इसका सिम ट्रे निकाल लिया मैंने, अभी सिम ट्रे पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर IMEI नंबर नज़र आ जाएगा, ये कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सिम ट्रे के अंदर देखेंगे ना तो यहाँ पर इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें मैं इसका एंटर करता हूँ IMEI नंबर, इसका IMEI नंबर है 35377 35377, बहुत बारीक लिखा होता है दोस्तों। अच्छा तो मैंने इसको तो कॉपी कर लिया था अपने उस पर, तो मैं इधर IMEI नंबर इसका नोट करके यहाँ पे इसको आप एंटर कर देंगे, ये इस मॉडल का IMEI नंबर है। उसके बाद हमें इधर IMEI नोट रोबोट पर करके क्लिक चेक कर देना है। अच्छा इसमें सिम में दोबारा लगा देता हूँ इसके अंदर, इसके इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक देखें ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई निकल के, इसका IMEI नंबर है आप डालेंगे, ये देखिए ये तो मालूम पड़ गया है हम आईफोन 7 है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है और इसमें iCloud है या नहीं ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो आप देखिए नीचे लिंक लिखा हुआ है चेक फाइंड माई आईफोन iCloud लॉक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ फिर दोबारा हमारे पास IMEI नंबर पूछेगा, तो हमें यहाँ दोबारा IMEI नंबर एंटर करना है। IMEI नोट रोबोट पर क्लिक किया और ये चेक किया, तो देखिए पूरा हमारे पास निकल के आ गया ये, देखिए एप्पल iPhone 7 A1778, ठीक है,
और इसका ब्लैक लिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोरी का मोबाइल नहीं है, हमें इसमें क्लीन दिखा रहा है। अच्छा हमें इसमें एक बार भी और देखना है, तो इधर भी हमें क्लिक करना है। हमें अभी जो है कंफर्म मालूम नहीं हुआ है कि इसमें आई क्लाउड उसके अंदर कस्टमर ने डाला हुआ था कि नहीं डाला हुआ था, तो अभी इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर भी हम अपना आई एम आई नंबर एंटर करके आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करने के बाद चेक देंगे। तो अब देखिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने निकल के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा आई एम आई नंबर है, ब्रांड है एप्पल, आईफोन मॉडल है 7A1777 जो आप यहाँ पीछे लिखे वो भी देखेंगे इसके, ये देखिए iPhone A1777 दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देख सकते हैं 1777। अच्छा उसके नीचे है एक्टिवेशन स्टेटस एक्टिवेटेड, तो इसमें एक्टिवेटेड स्टेटस है, ठीक है, इसके अंदर एक्टिवेट है ये, यानी हम इसको अनलॉक करूँगा तो आई क्लाउड आई डी पूछेगा, तो वो तो बात की बात है, अनलॉक करते हैं या नहीं आई क्लाउड, फिलहाल आप इसको पहले पूरा समझ लीजिए। अच्छा पूरा एक्सपायर है, वारंटी भी एक्सपायर होगी, नॉट एलिजिबल, एप्पल केयर एलिजिबिलिटी ये भी इसकी एक्सपायर है, एप्पल केयर कवरेज भी कवरेज है, और ब्लैक लिस्ट क्लेम यानी मोबाइल चोरी का नहीं है, तो ये तो क्लीन हो गया। अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम फाइल डाउनलोड कहाँ से करेंगे, मेन मुद्दा ये है ना, आईट्यून से हम करते हैं फाइल डाउनलोड तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि फाइल फेल्ड हो जाती है बीच में, तो फिलहाल नीचे आ जाएंगे हम और अपना हम करेंगे इसमें 3U टूल, फाइल का बताता हूँ आपको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, अभी आप वीडियो के साथ बने रहे। इस टूल से मैं इसको फ्लैश करूँगा, इस टूल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, ध्यान से देख लेना आप। अच्छा ये पूछा है प्लीज़ कनेक्ट आई डिवाइस टू पीसी यूजिंग यूजिंग केबल, तो अभी तो हम इसको करेंगे स्विच ऑफ, और अब इसके अंदर हम लगाएंगे एप्पल का डेटा केबल। दोस्तों वीडियो लंबा तो काफ़ी होगा, लेकिन अगर वीडियो आपने समझ लिया ठीक से, ये पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। अच्छा इसका थोड़ा डाउनलोड मोड ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो अभी क्या करेंगे हम डाउनलोड मोड के लिए, हमने ये मैंने कंप्यूटर में लगाया हुआ है, इसके अंदर मैं केबल लगाऊँगा और पावर बटन दबाऊँगा, पावर बटन इसका और प्रेस बटन के साथ प्रेस करूँगा तो डाउनलोड मोड पर आ जाएगा। अब छोड़ दिया मैंने पावर बटन, और दूसरा मॉडल है 5C तो आसानी से हो जाता है, ये आया नहीं, थोड़ा केबल थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं दूसरा केबल लगाऊंगा इसके अंदर। अरे दोस्तों दोबारा इसको हम स्विच ऑफ करेंगे और इसमें दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की इसको। पावर और होम बटन प्रेस करके रखना है, थोड़ा सा मुझे इसका ज़रा ड्राइवर चेक करना पड़ेगा, आप थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। अब जो है मैंने थोड़ी केबल इसकी चेंज की है, अब इसको मैं दोबारा से कनेक्ट करूँगा, पहले पूरा कम्प्लीटली इसको हम स्विच ऑफ होने देना है, स्विच ऑफ होने के बाद 30 सेकंड वेट भी करना है, तो कम्प्लीटली स्विच ऑफ ये नहीं होता है, थोड़ा अंदर से इधर घूमता रहता है ऐसे एप्पल पे, तो उसको देखना है पूरा स्विच ऑफ हो जाएगी उसके बाद ही करना है। अच्छा स्विच ऑफ हो गया, अभी हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस करके रखेंगे फिर केबल लगाएंगे।
ये दोस्तों आगे देखिए हमारा, ये हमारा एयरजून मोड पर आ गया है। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा मोबाइल को इस तरह से रख देता हूँ ताकि आपको नज़र ठीक से आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। इधर रख देते हैं। अच्छा, अभी हम इधर आ जाना है फ्लैश एंड डेल ब्रेक में, और उसके बाद जाना है फ्लैश में। अच्छा, इस पर जो क्लिक जो है ना, हमें इस पर इसे क्लिक रखना है, इस पर टच रखना है, इस पर जो है अनक्लिक रहे। उसके बाद हमारा ये वर्ज़न, इसके अंदर हमारे पास जो मेरे पास फाइल है इसका, मैं देखता हूँ कौन सा वर्ज़न का फाइल है मेरे पास। ये हमारा आइटम खुल गया, इसे बंद कर देंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। ये मैंने आइटम कर दिया है पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद। ठीक, मेरे पास जो उसका फाइल रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है एप्पल का, ये वाला फाइल इसके अंदर मैं चलाऊंगा 7GSM, क्योंकि GSM वाला है तो ये वाला फाइल चलाऊंगा। इसका वर्ज़न है 12.1.2, इसमें हम देखेंगे 12.1.2 ये वर्ज़न है। तो अभी इसका हम फाइल, इसमें ये वाला फाइल वर्कशॉप पर जो पड़ा हुआ है इसके अंदर फाइल हम किस तरह से लेंगे वो आप समझ लीजिए। थोड़ा इम्पोर्ट पर जाएंगे, और इम्पोर्ट पर जाने के बाद हमें आना है इधर डेस्कटॉप पर। ये ले लिया हमने फाइल GSM, अभी देखिए इसमें इंपोर्टिंग हो रही है। ठीक है, जिस साइट से आप डाउनलोड करेंगे ये फाइल, उस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, और इस टूल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिस साइट से आप पूरा इसका आईफोन का चेक करेंगे कि इसमें iCloud ID है कि नहीं है, वो पूरा उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक से आप ध्यान से देख लेना। तो इसमें वेरीफाइंग हो रही है, 73% ऊपर हो गया, 80% होने वाला है, ये हो गया, ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली फ्लैश पर क्लिक देना है, और ध्यान रखना है इस पर हमारा अनचेक रहा है, अनचेक इस पर रहा है हमारा, तो ध्यान रख लीजिए। अब मैं दे रहा हूँ फ्लैश पर क्लिक, और इसे कर देंगे फ्लैश। अब देंगे फ्लैश पर क्लिक, अभी हमारे यहाँ से फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए, कोई फाइल डाउनलोड नहीं की हमने, वन आईट्यून पे लगा के रखते हैं, 4-4 घंटे हो जाते हैं फ्लैश हमारा नहीं होता है, लेकिन इससे हमारा कम्प्लीटली फ्लैश होगा, फाइल हमारे इस कंप्यूटर के अंदर सेव है, जिसने चाहे मॉडल हमें फ्लैश इससे कर सकते हैं। अभी दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बन रहे हैं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है काम, मेन काम अभी iCloud पर आना बाकी है। तो वो iCloud हमें अनलॉक किस तरह से करेंगे वो भी ध्यान रखिए। उस मोबाइल का अनलॉक करने का मैं करीब यहाँ अपने यहाँ 1000 से 1200 रुपये पकड़ता हूँ, और iCloud अनलॉक करता हूँ। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, ये फ्लैशिंग के बाद हमारा मोबाइल स्टार्ट होगा। वीडियो को मैं कहीं स्किप नहीं किया हूँ, थोड़ा पुश जरूर किया था बीच में, अब लगता है दोबारा फिर पुश करना पड़ेगा, क्योंकि 14 मिनट और लेट ही हो गए, ऐसे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका भी काफ़ी टाइम जाएगा। तो थोड़ा सा भी यहाँ से फ्लैशिंग हो रही है, तब तक इसको मैं थोड़ा पुश कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा ये फ्लैशिंग इधर 20% तक पहुंच गया है, चेकिंग फाइल सिस्टम हो रहा है, और हमारे इधर मोबाइल पे भी फ्लैशिंग इसकी चालू हो गई है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक आप बने रहिए, यूं ही पूरा पैकेज इसके अंदर एप्पल का है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बीच बीच में पुश कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 20% हो गया, अभी इस टाइम हो रहा है हमारा सेंडिंग FDRST यूजर डाटा। तो मोबाइल पे भी आप नज़र बनाए रखिए, ये फ्लैशिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है,
आई क्लाउड मेन मुद्दा है, तो वो आप ज़रूर लास्ट तक देख कर जाइए। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गई है, लेकिन इसमें कंप्लीट पैकेज एप्पल के बारे में, अनलॉकिंग और फ्लैशिंग के बारे में आपको दिखा रहा हूँ मैं। थर्टी 34% तक पहुंच चुके हैं हम। इसमें इसका फाइल तकरीबन 3.5 GB का फाइल है इसका, आईफोन 7 का 36 हो गया, तो 3.5 GB का फ्लैश हो रहा है पूरा मोबाइल के ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मुमकिन मान के चलिए आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगते हैं फ्लैशिंग में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को बीच बीच में कुछ कर दे रहा हूँ। देखिए 40% तक पहुँच गए, 80% जाने के बाद ही जल्दी जल्दी होएगा काफ़ी तेज। अभी तकरीबन हम हो चुके हैं, मोबाइल भी हमारा आधे से ज़्यादा हो गया फ्लैश, सेंडिंग बेसमेंट डेटा हो रहा है, फिशिंग में क्रिएटिंग सिस्टम की लोग। दोस्तों ये हमारा देखिए फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, अभी मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन क्लीन फ्लैश कंप्लीटेड, इसे हम ओके दे देंगे। अभी मोबाइल हमारा स्टार्ट होएगा, अभी हम इस टूल को तो कर देंगे बंद और अब देखेंगे मोबाइल पे। अच्छा इस मोबाइल में हमें अभी फ्लैश होने के बाद एक सिम ज़रूरत पड़ेगी लगाने की, एक्टिवेट करने के लिए इसको, तो उस सिम को आप समझ लीजिए। इस मोबाइल को भी मैं अब डिसकनेक्ट कर देता हूँ कंप्यूटर से। ये था 7 GSM। अब इसके अंदर मैं सिम लगाऊंगा, एक पूरा कंप्लीट ऑन होने देते हैं, थोड़ा वेट करिए। और दोस्तों चैनल पे अपने मैं रोज़ का एक वीडियो इसी तरह का ला ही रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला ज़रूर बेल प्रेस कर दीजिए। घंटी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, नोटिफिकेशन सही से नहीं पहुँच पाता यूज़र में सब्सक्राइबर के पास, तो घंटी ठीक से प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई आगे इस तरह का वीडियो लाऊं, कल परसों जो है 2 दिन में ला ही रहा हूं वीडियो, और कभी कभी तो रोज़ ला ले आता हूं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दिन में 2 वीडियो डाल देता हूं, तो ये सारे वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर देना। ये दोस्तों हो गया हमारा पूरा, अब हो जाएगा हमारा मोबाइल फोन हेलो। तो दोस्तों देखा आपने इसको, मैंने बिना आईट्यून के किस तरह से इसको फ्लैश किया है, बिना कोई फाइल डाउनलोड किए 10 मिनट में इसको मैंने चालू करके रख दिया है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, इसमें हम लगाएंगे पहले सिम। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो आपके किसी काम आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो भी मिलते रहें। अब तक क्या मेरा ये यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है, 20 मिनट तकरीबन होने वाला है इसको, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपने मेरे चैनल इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो स्किप नहीं किया होगा। यहाँ अपना वाईफाई डाल देंगे,
ये तो मालूम ही होगा आप सबको। ये मेरे चैनल का नाम भी है फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ये। टाइम लेगा होने में। देखिए दोस्तों मेन ऑप्शन आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ तो हमारा मांग रहा है आईक्लाउड आईडी, जाहिर सी बात है मालूम तो नहीं हो गया आईक्लाउड आईडी। लेकिन दूसरा ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं इसका, अनलॉक विद पासवर्ड, ठीक है। यानी जो इस मोबाइल का पासवर्ड था वो पासवर्ड हमें सिर्फ याद हो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आईक्लाउड आईडी में मालूम नहीं है, जाहिर सी बात है किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं खोलता आईडी। 5000 में 8000 में खुलती तो कोई खोलता नहीं। लेकिन हमारे पास जो मेन ऑप्शन जो है अनलॉक विद पासवर्ड का, हम इस पर क्लिक करके देखिए यूज डिवाइस पासवर्ड एक्टिवेशन लॉक है। तो हमें यूज डिवाइस पासवर्ड पर जाकर यहाँ हम जो अपना जो मोबाइल का पासवर्ड था वो डाल देंगे इधर और मोबाइल हमारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।